और आइए अब आपको बताती हूँ कि CAA लागू होने के बाद तत्काल कितने शरणार्थियों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। दरअसल 30,000 शरणार्थियों को तत्काल इसका लाभ मिलेगा, 25,447 हिंदू शरणार्थियों को CAA के माध्यम से नागरिकता मिलेगी, 5,807 सिख और 55 ईसाई शरणार्थियों को इससे सीधा लाभ होगा, 2 बुद्ध और 2 पारसी शरणार्थियों को भी CAA के माध्यम से नागरिकता मिलेगी। आपको यह भी बता दूं कि 2019 में जब संसद में नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ था, तब भी इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली से लेकर आसाम, बंगाल, केरल तक जमकर बवाल हुआ और जब ये लागू हो गया तब भी इसका कई जगहों पर विरोध नजर आता है। केरल, तमिलनाडु और बंगाल की सरकारों ने तो केंद्र को बाकायदा चुनौती देते हुए CAA लागू ना करने की बात तक कह दी है। केरल के CM पिनराई विजयन ने कहा है कि उनकी सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देगी। ये सांप्रदायिक कानून है, उनके अनुसार इसके विरोध में पूरा केरल एकजुट है। वहीं तमिलनाडु के CM MK स्टालिन भी इस कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने भी कहा है कि तमिलनाडु में CAA को लागू नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो लगातार इसका विरोध करती रही हैं। उनका तो यहां तक कहना है कि CAA लोगों के अधिकारों को छीनने का खेल है और इस कानून को उन्होंने असंवैधानिक बताया और लोगों से CAA के तहत नागरिकता हासिल करने का आवेदन ना करने की अपील तक कर डाली। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज तो 2020 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ कुछ गाल गप गाप गप पकड़ते हैं, एक भी गाप गपू है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि देश भर में जिस CAA को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है, क्या उसे राज्य सरकारें लागू करने से मना कर सकती हैं? तो इसका जवाब भी आपको बता देती हूँ, आपको समझाती हूँ। दरअसल जिस तरह से लगातार विरोध किया गया, संविधान में संघ, राज्य और सीमावर्ती सूची है। संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले, जनगणना, रेल और नागरिकता जैसे 100 विषय शामिल हैं। संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास में है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार नागरिकता जैसे विषय पर फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार का नहीं है और इसीलिए CAA पर राज्य सरकार खुद से कोई फैसला नहीं ले सकती। चूंकि ये मामला नागरिकता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे किसी हाई कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि CAA से जुड़ा कोई भी मामला हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा और अगर चुनौती देनी है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में CAA के विरोध और समर्थन को लेकर 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई जिन पर अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है। अब ऐसे में जिस भी राज्य सरकार को CAA से एतराज होगा उसे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और इस कानून को असंवैधानिक सिद्ध करना होगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में CAA को लेकर 150 पन्नों का हलफनामा दायर किया था और कहा था कि ये कानून गैर भेदभावपूर्ण है। अब ऐसे में कम ही संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट CAA को असंवैधानिक माने, तो फिर राज्यों को CAA लागू करना ही होगा। लेकिन कुछ राज्यों में ये लागू नहीं होगा, ये भी आपको बता दूं। पूर्वोत्तर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसे इन्हें बाहर रखा गया है। जिन इलाकों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है उन इलाकों को CAA से बाहर रखा गया है। इसके अलावा उन आदिवासी क्षेत्रों में भी CAA लागू नहीं होगा जिन्हें संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है। अब आपको उन राज्यों के बारे में भी बता देते हैं जिनके ज्यादातर इलाकों को CAA से बाहर रखा गया है। दरअसल इनर लाइन परमिट वाले इलाके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम। वहीं 6वीं अनुसूची के तहत जो संरक्षित इलाके हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। इन इलाकों में असम आता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है।
आपने ये समझा कि सीएए को लेकर आखिर किस तरह की अभी परिस्थितियां हैं, सीएए कैसे लागू होगा और इसका फायदा लोगों को कैसे होगा। तो इंडिया बोल रहा है, मैं लगातार तमाम बड़ी अपडेट्स हम आपको बता रहे, रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। सफा मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव।